गाइस कैसे हो आप लोग। मैक्सिमम लोग वेट कर रहे हैं दशहरा सेल का और दिवाली सेल का जो कि फ्लिपकार्ट पे आने वाली है, और दशहरा सेल जो है वो आज ही स्टार्ट होने वाली है। बिग बिलियन डे सेल कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटेड रही, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही जिन लोगों ने आईफोन 13 परचेस किया। बट नो वरीज, इस बार की सेल भी जो आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम होने वाला है आईफोन परचेस करने का, एंड आई नो मेनली आईफोन 13। तो पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। एक इंपॉर्टेंट चीज, गिव अवे रिजल्ट मैं आज और कल की वीडियो में अनाउंस करने वाला था, बट एक आप लोगों को जो एक चीज इन्फॉर्म करनी है वो ये है कि आप लोगों को पता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा फेक बॉट्स वगैरह टेलीग्राम के चल रहे हैं, जो आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे आप लोगों ने गिव अवे जीता और मैक्सिमम लोग वहां जा रहे हैं टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं हूं। तो मैं नहीं हूं, मेरे कम से कम 3,000 से 4,000 मैसेजेस हैं और 10,000 मेल्स हैं इस चीज से रिलेटेड। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो, ऐसा कोई भी गिव अवे जो है मैं टेलीग्राम पे नहीं कर रहा हूं। हमने बहुत टाइम बाद चैनल पे गिव अवे रखा है और वो भी 100K कंप्लीट होने के बाद। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यूट्यूब पे ऑडियंस जो है वो मिसगाइड हो रही है, इसलिए हम लोग इसको इंस्टाग्राम पे अनाउंस करेंगे। रिजल्ट 2-3 दिन में जो है मैं इंस्टाग्राम पे रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। एंड आई एम सो सॉरी जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो टेलीग्राम बॉट पे जाओ और वहां जाके पेमेंट कर दो, तो उस चीज से बचो, इसलिए हम लोग जो है इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। पहली चीज बात करते हैं दशहरा सेल के बारे में। आज रात को जो है प्लस मेंबर्स के लिए स्टार्ट होने वाली है, तो क्या प्राइसिंग कुछ अच्छी होने वाली है? पहली बात, अगर प्राइसिंग अच्छी होती तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे डेफिनेटली टीज करता कि कुछ आप लोगों को बेटर देखने के लिए मिल रहा है, चाहे 3-4 हज़ार ज्यादा होती, बट स्टिल फ्लिपकार्ट ने कुछ भी टीज नहीं किया। मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट की दोनों की जो ये सेल रहने वाली है वो कोई भी फायदेमंद आप लोगों के लिए नहीं होने वाली, और आप लोगों को वेट करना है दिवाली सेल के लिए। इसलिए मैं जो इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा दशहरा सेल पे, अभी परचेज करने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दिवाली सेल पे, कब होगी डेट मैं आप लोगों को बताया था। तो जो डेट होने वाली है वो होगी 15th अक्टूबर 16th अक्टूबर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 16th अक्टूबर को प्राइम प्लस मेंबर्स के लिए यहाँ पे जो है स्टार्ट हो सकती है, और उसके बाद आप लोगों को 5-6 दिन तक की सेल देखने के लिए मिलने वाली है। अराउंड 21st तक यहाँ पे जो है ये सेल चलने वाली है, बड़ी सेल होगी, लेकिन जो प्राइस ड्रॉप मिलेगा वो आप लोगों को कुछ टाइम के लिए मिलेगा, 30 मिनट्स के लिए। इसमें बहुत टाइम से आप लोगों के लिए बोलता हुआ आ रहा हूँ, तो उस चीज़ का जो है इस बार ध्यान रखना। लेट्स कम टू कौन से कार्ड्स होने वाले हैं। बहुत सारे लोग लास्ट टाइम प्रिपेयर नहीं थे, तो इस बार भी जो है एक्सेस ही होने वाला है मेनली। जो बीबीडी में होता है वही जो है दिवाली सेल में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जिन लोगों के पास नहीं है एक्सिस कार्ड, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड आप लोगों को जो है लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा ऑफर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप लोगों को 1 ईयर की सोनी लिव सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिलने वाली है। बाय 1 गेट 1 फ्री मूवी टिकट्स थ्रू पेटीएम आप लोगों को मिलने वाला, और स्विगी पे 40% डिस्काउंट 4 times in a month। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को जो है रिकमेंड करूंगा, और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली जो है लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप लोग जो है चेकआउट कर लो और परचेज कर लो, क्योंकि भाई फेस्टिवल का टाइम है और ये चीज़ आप लोगों ने परचेज करनी, और क्रेडिट कार्ड जो ऑफर्स प्रोवाइड करता है वो कोई और दूसरा कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है। एंड स्पेशली जो फ्लिपकार्ट पे क्रेडिट कार्ड यूज होने वाला है वो होने वाला है एक्सेस। अब आप उसको फ्लिपकार्ट पे भी यूज करो और नॉर्मली अपनी शॉपिंग पे भी जो है यूज कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। मेनली बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग पे। तो जो प्राइसिंग होने वाली है, पहली चीज प्राइसिंग आईफोन 11, 12, 13 ये मेन फोन रहने वाले हैं, 13 प्रो भी इंक्लूड करेंगे, बट जो अमेजोन पे प्राइसिंग रही है ना वो आप लोगों को अब सिमिलर या फिर कुछ डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिलने वाली। अमेजोन क्या करने वाला है, अमेजोन आप लोगों को जो है एक महंगे प्राइस में इस बार आईफोन बेचने वाला है, क्योंकि अमेजोन की सेम सेल कंटिन्यू होती है दिवाली तक, अमेजोन का कुछ फिक्स पीरियड नहीं रहता। तो आप लोगों को जो है मेनली फ्लिपकार्ट का वेट करना, और फ्लिपकार्ट पे आईफोन 11 हो, 12 मिनी हो और 13 हो, उनकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो 5,000 to 6,000 rupees से इंक्रीज होने वाली है। जो आप लोगों को प्राइसिंग देखने के लिए मिली 56-57, उससे थोड़ी बेटर हो सकती है। मतलब मैं अगर गेस करूं यहाँ पे तो 54-55,000 rupees की आप लोगों को प्राइसिंग जरूर देखने के लिए मिल सकती है। एंड एक और चीज, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये प्राइसिंग इन फ्यूचर 2-3 महीने बाद 48 आ जाएगी, 50 आ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सिर्फ एक यही चांस होता है मेड इन इंडिया यूनिट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो इस टाइम पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि परचेज कर लेना आंख बंद करके, क्योंकि इसके बाद कोई भी सेल ऐसी बड़ी नहीं होने वाली। तो बेटर है कि आप लोग जो है इस टाइम पे परचेज कर लेना, और आईफोन 13 बेस्ट स्मार्टफोन है। एक और चीज, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आईफोन 14 का कुछ होगा, मेड इन इंडिया की फर्स्ट शिपमेंट प्रोडक्शन में जा चुकी है,
तो आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट यस आप लोगों को नेक्स्ट लेवल ऑफर्स मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल क्यों बोल रहा हूं मैं, एक्सेसरीज आप लोगों को अच्छी फ्री देखने के लिए मिलेगी, और यूजुअली ऑफलाइन स्टोर्स हो या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट हो, वैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट कम करते हैं, बट स्टिल आप लोगों को क्रोमा वगैरह पे जो है बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। स्पीकर फ्री मिल रहा है, कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा है, वायरलेस चार्जर फ्री मिल रहा है, तो ये ऑफर्स बेटर है। आप लोगों को जो है 14 पे ऐसा डिस्काउंट देखने के लिए जरूर मिलेगा। बेसिकली ये डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन ये इनडायरेक्ट डिस्काउंट होता है और आप लोगों की इसमें हेल्प होगी, तो 14 जो है आप लोग डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बट जो आप लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन मिलेगा सस्ता, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जनवरी तक, उसके लिए आप लोग जो है वेट करना। बस इतनी मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे आज जो हम लोग जो गिव अवे रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, और एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप लोग जो है जरूर परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।